नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16, 17 और 18 मई के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों, के साथ बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी खास बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 16 मई की बात करें तो रविवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और आद्रा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो शुभ नाम का शुभ योग भी रहेगा और शुभांत गण नाम का भी योग रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। राहु काल का समय दिन शाम के 5:19 से लेकर शाम के 6:57 रहेगा। वह दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो अगले दिन सोमवार का दिन होगा, पंचमी तिथि योगी और पुनर्वसु नाम का एक दिन नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों, इस दिन जो दिन है वृद्धि नामक शुभ योग रहने वाले हैं पूरे दिन, जो कि आपके जीवन काल में कई प्रकार के लाभ देने वाले हैं, परंतु राहु काल के समय आप सावधान रहें। यश में राहु काल का समय होगा सुबह के 7:27 से लेकर सुबह के 9:06 तक और चंद्रमा मिथुन के उपरांत कर्क में इस दिन संचार कर जाएंगे। वह दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, षष्ठी तिथि और पुष्य नाम का नक्षत्र रहेगा। ध्रुव नाम का भी दिन शुभ योग रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। राहु काल का समय शाम के 3:41 से लेकर शाम के 5:19 रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि पर ही आखिरी दिन में संचार करेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों के जो ग्रहों की तिथि है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि के लिए कितना भाग्यशाली होते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, ये जो समय है आपको कई तरह की परिस्थितियों में दूसरों के सामने जो है निर्णय लेने की क्षमता देगा, जिससे आप किसी भी निर्णय को बिना संकोच से ले पाएंगे। यदि आप नौकरी के अलावा कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे थे तो दोस्तों, ये जो समय है उस ओर आपका जो है सफलता आपको मिल सकता है, उस ओर आप अपने जो है कदम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये जो दिन है आपको सफलता मिलने का दिन रहेगा। वही दोस्तों, यश में आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपकी जो है मेलजोल बनाए रखने का आप प्रयास करें। सबका विश्वास जीतकर एक दूसरे का सहयोग की भावना रखते हुए अपने घर के विकास में लग जाएं। दोस्तों, ये जो समय है इससे दोस्तों आपके घर परिवार में अच्छी सामंजस्य बन सकेगा तथा घर परिवार का जो है विकास हो सकेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में आपका ध्यान जो है बिजनेस में या फिर परिचितों को दिया गया उधार पैसा वसूलने पर हो सकता है। दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए पुराने धन की वापसी के संकेत दे रहा है। कोई पुराना अटका काम भी यश में आपको हो सकता है, यश में वो काम पूरा हो सकता है। अपनी जो है गतिशीलता आप यश में बनाए रखें। किसी भी स्थिति में ये जो समय है आप अपने लोगों से बहस बिल्कुल ना करें, या फिर आपके सहकर्मी हैं उनसे भी आप यश में बिल्कुल ना झगड़ें, इनसे आप परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों, ये आपको अनचाहा तनाव भी देगा। वही दोस्तों, ये जो समय है इन समय कुल मिलाकर आप कोई भी अव्यवहारिक योजना है बिल्कुल ना बनाएं। इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है नौकरी में तनाव आपकी तरक्की के लिए एक सकारात्मक होगा। दोस्तों, यश में आप जमीनी और सकारात्मक रहें। दोस्तों, इन दिनों में ये जो दिन है आपके लिए निवेश करने की सोच, अगर आप इन दिनों में सोच रहे हैं या फिर पहले से निवेश करने की सोच रहे थे तो दोस्तों आपके लिए ये जो दिन है बहुत अच्छा साबित होगा। यश में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उचित सलाह के बाद ये आप कार्य करें। किसी भी जो है किसी पर यश में आप जल्दी भरोसा बिल्कुल ना करें, इनसे बचें, नहीं तो आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से ये जो समय है आपके लिए जो है अनोखा उपहार मिल सकता है आपको। अगर आपकी आवाज़ सुरीली है तो दोस्तों कोई गाना गाकर आप अपने प्रेमी को यश में खुश कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में कुछ मित्रों या फिर प्रेमी जनों से आपकी बहस भी हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों आप इन बातों का ध्यान रखें, किसी मित्रों से आप बहस करने से बचें। अगर आपके मित्र आपसे बहस करना चाहते हैं तो भी आप यश में अपने वाणी पर संयम बना के रखें तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा।
वही दोस्तों इन दिनों में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपको किसी पुराने बीमारी से परेशान हो सकते हैं, इनका संकेत यह समय गणेश जी दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों यह समय किसी प्रकार का कष्ट होने से दवा के साथ साथ दुआ लेना भी बिल्कुल ना भूलें। अपने बड़ों का या फिर बड़े बुजुर्गों का ये जो समय होगा यह समय आप उन्हें चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। वही दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। दोस्तों इन दिनों में आपके मूड में जो है बारंबार परिवर्तन आने के कारण मन में जो है अनिश्चितता का भावना रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों यश में आप अव्यवस्था अनुभव करेंगे। दोस्तों यश में परिवार सदस्यों के साथ आप बातचीत करके और आवश्यक लगे तो विशेषज्ञों की सलाह लेकर बेचैनी कम कर सकेंगे। स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखने की यश में गणेश जी आपको सलाह देते हैं। वह दोस्तों यश में आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें यानी धन को लेकर तो दोस्तों गणेश जी देखते हैं कि यह जो समय है गैर जरूरी कामों में आपका समय आप गंवा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाए। गणेश जी का यह सुझाव है कि आप काम पर एकाग्रता निश्चित रूप से आपके दिन को और आपके आने वाले दिन को भी सफल और उपयोगी बना सकता है। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में आप प्रियजन के सानिध्य में क्वालिटी टाइम बिताकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं। आप अपने प्रियजन को उपहार देकर अपने रिश्तों को भी और गहरा बनाएंगे। वही दोस्तों इन दिनों में एक जो रोमांटिक शाम होगा आप दोनों को एक दूसरे के बीच करीब लाएगा, दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो समय होगा आर्थिक मोर्चे पर दोस्तों आप थोड़ा सावधान रहेंगे। हालांकि दोस्तों यश में किसी तत्काल आवश्यकता के लिए आप बहुत ज़्यादा भुगतान भी कर सकते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले गणेश जी आपको बाजार की जाँच पड़ताल करने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में आपको चुनौतीपूर्ण दिन आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन यदि आप तत्काल परिणाम की उम्मीद करते हैं तो दोस्तों आपको निराशा के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि अपने जो आप पूरी कोशिश करेंगे पर ग्रहों की स्थिति जो है सहायक नहीं है, बस अच्छा काम जारी रखें, आने वाला समय आपके लिए बेहतर जरूर होगा। वही दोस्तों इन दिनों में दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। अतिरिक्त धन को लेकर या इसमें रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज भी हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। दोस्तों ये जो समय है विवाह हेतर प्रेम संबंध आपकी जो है प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। आपकी कार्य क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए अपने काम के तरीकों पर आप गौर करने की आपको ज़रूरत होगी, नहीं तो दोस्तों आपकी जो बॉस की नज़रों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है, आप उनसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों यश में अगर आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझते हैं तो ऐसा करने से आपके मूड तो खराब होगा ही, साथ ही दोस्तों ये जो है आपकी कीमती समय को भी बर्बाद करेगा। आपके जीवन साथी की सुस्ती आपके कई कामों पर पानी फेर सकती है। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यदि आपकी रकम कहीं फंस गई है और वापस नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों यश में आपको ये उपायों को करना चाहिए। दोस्तों रोज सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पित करें, उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें और तथा सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें और इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। दोस्तों याद रखें ये उपायों को आप सूरज उगने से बाद और सूरज उगने के पहले ही करें। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर करें, आपको अवश्य लाभ होगा। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।